दोस्तों वेलकम टू अ सेगमेंट जिसका नाम है दो मिनट में दो ज्ञान की बातें और ये है हमारा पार्ट टू। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर वन। अर्नब मोदक नाम के 16 साल के एक छोटे से बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम पे हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने सिर्फ 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाला। ये वीडियो कॉल ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह बिल्कुल फ्री है, सिक्योर है और इसमें एक टाइम पर 100 लोग वीडियो कॉल अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अर्नब मोदक जैसे बच्चे ही हमारे देश के रियल टैलेंट हैं। और गाइज, अगर आप मेड इन इंडिया को सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब मोदक जैसे इंडियन टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को हमारे रियल टैलेंट के बारे में पता लग सके। जी हाँ, हो सकता है वो दिन दूर ना हो जिस दिन सारी दुनिया इस बच्चे की दृष्टि ऐप से वीडियो कॉल कर रही होगी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। नाउ लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर टू। फ्रेंड्स, आपको जापान की करेंसी के बारे में तो पता ही होगा जिसे येन कहते हैं, लेकिन जो आपको नहीं पता होगा वो ये कि जब आप 1 येन के सिक्के को पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पर तैरता रहता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। और मजे की बात तो ये है कि ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ ही नहीं बल्कि फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है। यानी कि इन तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पर तैरते रहते हैं। क्या इससे पहले आपको इसके बारे में पता था? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी लगी ये 2 मिनट में दो ज्ञान की बातें। तो फिर देर किस बात की, कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते।